गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर हमारी जनरल साइंस की यात्रा। और देखिएगा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप फटाफट से आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और फटाफट से जुड़ते जाएं, ठीक है। चले, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है इसका ह्यूमन सिस्टम, एक न्यू ब्रांच चैप्टर। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से आरआरबी एएलपी में बहुत कम आते हैं लेकिन एसएससी में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको अटकना नहीं, इसलिए चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी क्वेश्चन कम आते हैं एएलपी टेक्नीशियन में लेकिन पढ़ना पड़ेगा। रेलवे में और में भी तो बहुत ज्यादा आते हैं, रेलवे के और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो में एसएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम सबको लेकर चल रहे हैं। और सबको लेकर चल रहे हैं मतलब क्या करना है हमको, कि हमको पूरा वायु पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है ये बात। चले, मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरा छोटा सा, कि फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए, कुछ आपको मटेरियल चाहिए, तो आप रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग मुझसे शेड्यूल पूछ रहे थे, तो शेड्यूल का मैं बता देती हूँ कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए सुबह का शेड्यूल हमने रखा हुआ है। साइंस की मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे और उसके बाद में अमित सर की क्लास होती है मैथ्स की 9 बजे, रीजनिंग की क्लास होती है 10 बजे और 11 बजे होती है हरिओम सर की क्लास, ठीक है, पॉलिटी की होती है, क्लियर है ये बात। शाम का जो बैच हमने यूट्यूब पर रखा हुआ है एसएससी सीएचएसएल के लिए एमटीएस के लिए रखा हुआ है, जिसमें ज्योग्राफी पढ़ाते हैं अनिल सर 6 बजे, मैथ्स पढ़ाते हैं अमित सर 7 बजे, रीजनिंग पढ़ाते हैं दीपक सर और इंग्लिश पढ़ाते हैं सुनील सर, ठीक है, क्लियर है ये बात। और अगर किसी को भी यहाँ पर रैंकर्स बैच ज्वाइन करना है, जो कि हमारा ऐप पर चल रहा है एकदम पेड बीच है, और इसमें 1499 रुपये, मात्र 1499 रुपये में आपको ये मिल रहा है रैंकर्स बैच, इसको फटाफट से आप खरीद लीजिएगा, अभी ऑफर चल रहे हैं। बाद में ये वापस से कितने का हो जाएगा, 2999 का हो जाएगा। और अगर रेलवे वाला है कोई तो शताब्दी बैच चाहिए, शताब्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, मात्र 1999 रुपये, प्राइसेस पहले से बढ़ चुकी है और अगर अभी भी आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो वापस से बढ़ जाएंगी प्राइसेस, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में अगर आप पर्सनल बैच खरीदना चाहते हैं दीपक सर का, D30 कोड यूज कीजिएगा, 999 इसका प्राइस है। अमित सर का कोड, जो कोड है वो भी D30 है, इनका जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी 1 साल है और 999 इनका प्राइस है स्पेशल मैथ्स का। और अगर कॉम्बो लेना चाहते हैं आप मैथ और रीजनिंग का, तो कॉम्बो के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 1899 रुपये पे करने पड़ेंगे। इससे बेटर क्या है, 1999 रुपये में आप पूरा का पूरा शताब्दी बैच ही ज्वाइन कर ले, क्लियर है ये बात। चले, ये ऐप है, ऐप पे आपको डेली पीडीएफ मिलता है, डेली क्विज चलते हैं, वीकली टेस्ट चलते हैं, क्वेरी के लिए नंबर है। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र होता क्या है, कितना क्या होता है, तो जब हमने सेल पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं दोस्तों, पूरा ह्यूमन बॉडी बना लेते हैं, क्लियर है ना ये बात। तो हमने सेल पढ़ा था, सेल में भी आपने क्या था, जब बहुत सारी सेल इकट्ठा हो जाएगी तो टिश्यू बना लेंगी। टिश्यू जो है बहुत सारे अगर इकट्ठे हो जाएंगे या बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। और ऑर्गन से मिलकर क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। और बहुत सारे सिस्टम जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर बात है समझने वाली, वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में कुल कितने सिस्टम होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में टोटल होते हैं 8 सिस्टम। कितने सिस्टम होते हैं, 8 सिस्टम होते हैं। ये 8 सिस्टम कौन कौन से होते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, 8 सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में भी लिख रही हूं, कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अगर मैं बात करती हूं हिंदी में, तो इसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। नंबर 2 पर जो सिस्टम हमारा आता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र।
क्या कहते हैं इसे हम, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। नंबर तीन पर जो सिस्टम आता है उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। इसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम और इसे कहा जाता है कंकाल तंत्र। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, कंकाल तंत्र कहते हैं। नंबर चार की अगर मैं बात करूं, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र इसे कहते हैं। नंबर चार पर आता है हमारा नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हम इसे तंत्रिका तंत्र। नंबर पांच पर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसे कहते हैं हम हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, पांच हो गए हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है, पांच सिस्टम ये। छठा सिस्टम कौन सा है, तो सिक्स नंबर जो सिस्टम है हमारा वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसको श्वसन तंत्र। नंबर सात पर आ जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसको ठीक है। तो ये कुल मिला के आठ सिस्टम, मैंने नाम आठों के बोर्ड पर लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और हर एक जो तंत्र होता है उसके अलग अलग ऑर्गन होते हैं, उसके अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं। क्लियर है बात, अलग अलग पोर्शन होते हैं बॉडी में। अभी बात करेंगे कौन सा पोर्शन किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। ये कुल आठ सिस्टम होते हैं और ये आठों सिस्टम, जब शरीर के ये जो आठ सिस्टम है, ये आठों के आठों सिस्टम अगर क्या हो जाते हैं, आपस में सामंजस्य, कॉपरेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, उसके बाद ही बॉडी एक तरीके से सही तरीके से चलती है, बॉडी स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर एक सिस्टम भी क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, भाई क्या होता है कि ये आठ सिस्टम मिलकर ही बना रहे हैं, पूरे शरीर का निर्माण कर रहे हैं आठों सिस्टम मिलकर। लेकिन मान लीजिएगा इनमें से एक सिस्टम भी खराब हो जाता है, एक सिस्टम का एक ऑर्गन भी काम करना थोड़ा कम कर देता है, तो पूरी बॉडी जो जिस प्रकार से चल रही है, जो क्रियाविधि है बॉडी का, जो काम कर रही है बॉडी, वो काम नहीं कर पाती है, उसका काम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, दूसरा ऑर्गन उसकी जगह ले लेता है। तो उससे बेटर क्या होता है, दूसरा ऑर्गन लेगा तो उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। एक तरीके से मशीन की तरह समझिएगा, शरीर को मशीन की तरह समझिएगा। अगर एक मशीन जो आठ छोटी छोटी मशीनों से मिलकर बनी हुई है, एक मशीन खराब हो जाती है, उन आठों में से एक मशीन खराब हो जाती है, तो बाकी सात पर ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा लोड पड़ेगा, आठ का काम वो कर नहीं पा रही है, तो अब होगा क्या, बॉडी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हो क्या जाएगा, बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, रोगी शरीर हो जाएगा। क्लियर है बात, तो इन आठों सिस्टम के कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से ही मानव शरीर स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करता है। बात क्लियर है ये सभी को, चले अब आगे देखिएगा। हम सब में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक पॉइंट में बता देती हूँ कि ये जो आठों सिस्टम है, इनके अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो जो पेट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, इनके छोटे छोटे कार्य बता देती हूँ ताकि आपको एक चीज समझने में आसानी रह जाएगी। क्लियर है,
डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन को पचाना, उसको सरलीकृत करना, फीकल मैटर को बाहर की साइड इकट्ठा करना या बाहर निकालना, इसके अलावा हमारे शरीर में जितना कुछ भी जो पोषण मिल रहा है, पोषण न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कुछ भी कार्य होता है वो कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसके लिए ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो लिवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई हमारी, पेनक्रिया हो गया, बहुत सारे ऑर्गन हैं इसमें साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऑर्गन, मेन ऑर्गन इसका क्या है? हार्ट है, दिल है, हृदय है। क्लियर है ये बात? चले उसके बाद में स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र में हम बोन्स की बात करते हैं, हड्डियों की बात करते हैं। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है, कहां कितनी हड्डी होती है? अच्छा, ये जो इतनी सी कलाई है मेरी, हथेली की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ, सिर्फ इस जॉइंट की बात कर रही हूँ। इस जॉइंट में कुल 8 हड्डियाँ हैं, तो 8 हड्डियाँ यहाँ पर है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ एक हड्डी है या दो हड्डियाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? दो हड्डियाँ। भाई ऐसा कैसा हो सकता है? रेडियस और अल्ना, दो हड्डियाँ सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक और इतनी सी जॉइंट, जॉइंट में 8 हड्डियाँ हैं छोटी छोटी। तो ये जो बात है ये सारी हम कंकाल तंत्र में करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होंगी, ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी जानकारियां उनके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी कुल 8 ग्लैंड्स होती हैं। 8 ग्लैंड्स ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को सिक्रेट करती है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कंट्रोल करती है पूरे ऑल ओवर दी बॉडी पर। क्लियर है ये बात? तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसमें फेफड़े हमारा मुख्य अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सांस लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये सारी हम इसमें लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है और जो जेनेटिक्स जितना भी है वो एक इंसान से या एक माता पिता से संतति में कैसे जाता है उसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र में मेन अंग जो है, मुख्य अंग, मेन ऑर्गन क्या है? किडनीज। हमारे किडनी जो है उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से वो ब्लड को बिल्कुल छानती है, एकदम फिल्टर करती है। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसमें यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया और जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं उन सबको वो अलग करती है और यूरिन के रूप में उनको बाहर निकालती है। ठीक है? तो ये सारे आठों अंग, आठों तंत्र जो किसमें है, हमारे मानव शरीर में है, उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इन आठों में से सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हिंदी में बोले तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पाचन तंत्र है ये होता क्या है, कैसा दिखता है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं, उन सभी की हम जानकारी लेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोगों के लिए देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम है पाचन तंत्र का मेरे पास, ध्यान से देखिएगा इस पाचन तंत्र को। ये एक पाचन तंत्र का डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें देखिएगा क्या कैसे है। सबसे पहले हम मुंह से खाना खाते हैं, एक पूरा सा क्रोनोलॉजी समझिएगा इस चीज की। ठीक है? आप मुंह से खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, फूड मुंह से लेते हैं। उसके बाद में जो बकल कैविटी है हमारी, जो मुख गुहा है, इसे हम क्या कहेंगे? बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कहते हैं। इसमें आप दांत होते हैं, जीभ होते हैं, ये क्या करते हैं खाने को, जो कुछ भी हम खाते हैं भोजन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, ये काटते हैं। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में गले में फेरिंग्स होती है, ये फेरिंग्स इसको निगलती है, ईसोफेगस के द्वारा ये खाना हमारे स्टमक तक जाता है। फेरिंग्स गले में पाई जाती है, ईसोफेगस ये जो हमारी फूड पाइप है इसे हम कहते हैं। इसके बाद में स्टमक जो होता है, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं तो मैं लिख देती हूँ, माउथ या ओरल कैविटी को हम क्या कहेंगे? मुख गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम मुख गुहा कहेंगे। फेरिंग्स को फेरिंग्स ही कहा जाता है, ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप या खाद्य नलिका कहते हैं, ईसोफेगस ही कहा जाता है इंग्लिश में भी। स्टमक को कहा जाता है आमाशय, जैसा प्रोनंसिएशन कर रहे हैं ना वैसा हम हिंदी में लिख भी सकते हैं, देवनागरी लिपि में लिखा भी जाता है प्रोनंसिएशन के द्वारा। तो अगर मैं ईसोफेगस को लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस ऐसे लिख देंगे इसको। इसके बाद में आता है हमारा लीवर, इसे हम कहते हैं
लिवर को कहा जाता है यकृत, इसके बाद में गॉल ब्लैडर, इसे हम कहते हैं हिंदी में पित्ताशय। अभी लिख रही हूं ये हिंदी में जितनी भी टर्म्स है, मेनली जो टर्म्स है वो सारी की सारी इंग्लिश में ही काम में आने वाली है, क्लियर है ना ये बात। चले उसके बाद में पैनक्रियास को कहते हैं हम अग्नाशय। ठीक है, इसके बाद में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम और एक तीसरा और होता है इलियम। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, छोटी आंत बोलते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद में देखिएगा ये जो कॉलन है हमारी, ट्रांसवर्स हो गया, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ये सिग्मोइड कॉलन हो गया या सीकम हो गया, ये सारी की सारी क्या है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद में हमारा रेक्टम आता है, ये रेक्टम भी हिस्सा किसका होता है, बड़ी आंत का ही हिस्सा होता है। क्लियर है ये बात आप सभी को। तो ये पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का आपके सामने मैंने बताया है किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको हम और भी अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। क्लियर है, तो देखिएगा दोस्तों पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और वो दो भाग कौन कौन से होंगे तो ध्यान से देखिएगा। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, आहार नाल। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम आहार नाल कहेंगे। और दूसरी होगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दूसरी कौन सी होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे, पाचक ग्रंथियां, इन्हें हम क्या कहेंगे, पाचक ग्रंथियां कहेंगे। क्लियर है ये बात। तो इन दो भागों में हम डिवाइड करेंगे किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को, और डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करने के बाद में ध्यान से सुनना, यहां पर एलिमेंट्री केनाल जो आहार नाल है, इस एलिमेंट्री केनाल का मैं बता दे रही हूं, सबसे पहले क्या आएगा हमारा ओरल कैविटी, अभी देखा था हमने ओरल कैविटी, माउथ भी बोल सकते हैं हम इसको, ओरल कैविटी को क्या भी कह सकते हैं हम, माउथ भी कह सकते हैं। खाना सबसे पहले कहां जाएगा, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद में किस में जाएगा, फेरिंग्स में, ठीक है, गले में होगा। उसके बाद में किस में जाएगा, उसके बाद में जाएगा ये ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से किस में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा स्टमक में, स्टमक से जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद में किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से ये खाना जितना भी ठीक रहेगा वो तो क्या होगा, जिसमें न्यूट्रिशंस होंगे वो तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जो फीकल मैटर होगा उसको हम एनस के थ्रू बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये सारी का सारा किसमें आ जाएगा, हमारा एलिमेंट्री कैनल है, ये हमारी भोजन नली का आहार नाल इसे कहा जाता है, ओरल कैविटी, माउथ से स्टार्ट होकर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट रेक्टम के थ्रू होते हुए बाहर इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि वो जो डाइजेशन में सहायता करती है, हेल्पफुल होती है किसमें, डाइजेशन करने में, तो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले देखिएगा लिवर, उसके बाद में नंबर दो पर हमारी गॉल ब्लैडर, नंबर तीन पर आता है पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये तीन मेन ग्लैंड्स हैं जो किसमें हेल्पफुल होती है हमारी डाइजेस्टिव। क्लियर है ये बात। तो पाचन तंत्र को हम इसको प्रकार से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पूरा का पूरा ओरल कैविटी क्या होती है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के थ्रू। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं मैम हिंदी में भी लिख दें, तो ठीक है चले हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, इसे हम कहेंगे मुख गुहा। क्या कहेंगे, मुख गुहा, मुख गुहा से कहां जाएगा ये, फेरिंग्स में जाएगा,
फेरिंग्स से कहां जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से कहां जाएगा आमाशय में जाएगा, आमाशय से कहां जाएगा छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से कहां जाएगा ये बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। और बड़ी आंत के बाद में जितना भी कुछ न्यूट्रिशन फूड होगा उसको तो अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो फीकल मैटर अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। लीवर को कहते हैं यकृत, गॉल ब्लैडर को कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, और पेनक्रियास को क्या कहते हैं यहां पर, अग्नाशय। अच्छा, जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इनमें एक और ग्लैंड होती है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये होती है हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये करती क्या है, इन्हें कहते क्या है, तो इन्हें कहते हैं हिंदी में लार ग्रंथियां। ये मुख में होती हैं और खाने को लसदार बनाने का कार्य करती है। क्लियर है ये बात। तो ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है ये भी इसमें ही शामिल होती है, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। क्लियर हो गई ये बात। चलिए इसके बाद हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा मुख गुहा है, ऑरल कैविटी है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो मुख गुहा ऑरल कैविटी में जो पाया जाता है, मुख गुहा इसे हम क्या कहेंगे, ऑरल कैविटी, बकल कैविटी भी से कहा जाता है। इसमें दो चीजें पाई जाती है, एक होते हैं दांत और दूसरी क्या चीज होती है, जीभ होती है। क्लियर है, तो जीभ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, फटाफट फटाफट से हम इनको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो दांत अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन में, तो अडल्ट में तो कितने होते हैं टोटल दांत, 32। बच्चों में कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं, 20। तो अगर आपसे पूछे कि दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत मिल्क टीथ कितने होते हैं, तो मिल्क टीथ होते हैं हमारे 20 मिल्क टीथ होते हैं। इसके अलावा अडल्ट्स में टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत होते हैं चार प्रकार के। सबसे पहले कौन से होते हैं, इनसीजर, हिंदी वाले ध्यान से सुन लेना, इनको कहते हैं कृतंक। नंबर दो पर होते हैं आपके दांत जो होते हैं, उनका नाम है कैनाइन, इन्हें हिंदी में कहते हैं रदनक। नंबर तीन पर आते हैं प्रीमोलर, ये दांतों के नाम हैं, इन्हें कहते हैं अग्रचवर्णक। नंबर चार पर जो आते हैं वो होते हैं मोलर, इन्हें कहते हैं चवर्णक। क्लियर है ये बात आप सभी को। तो ये चार प्रकार के दांत होते हैं, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार प्रकार के दांत है दोस्तों। और इन चारों प्रकार के दांतों में देखिएगा एडल्ट्स में कितने होते हैं उनकी भी बात करेंगे, चाइल्ड्स में कितने होते हैं उनकी भी बात करेंगे, अलग अलग इनकी संख्या होती है और कैसे होती है वो भी बात हमें करने वाले हैं। तो इनसीजर कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो आगे वाले दांत होते हैं, मनुष्य का जो जबड़ा होता है, ह्यूमन का जो आपका मुख होता है या माउथ होता है, उसमें जो आगे वाले जो दांत होते हैं बीच में, बिल्कुल ऐसा देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, जो तो यहां वाले दांत होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, इनसीजर, बिल्कुल ऊपरी जबड़े में और नीचे जबड़े में। जो कोने वाले जबड़े होते हैं, कोने वाले दांत होते हैं, उन्हें हम इनसीजर कहते हैं। फिर कोने वाले से लेकर के बीच वाले दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर, और जो परफेक्ट हमारी दाढ़ी होती है एंड वाले दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। क्लियर है ये बात आप सभी को। तो इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, क्लियर है ये बात आप सभी को। अब कौन सा दांत कितने का होता है, कितना होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर, सबसे पहले इंसीजर की बात करते हैं, तो टोटल दांत आपके 32 है, कितने हैं ये, 32। इस साइड में लिखूंगी अडल्ट्स के, इस साइड में लिखूंगी बच्चों के। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं बात करती हूं इंसीजर कितने होते हैं अडल्ट्स में, तो अडल्ट्स में कितने होते हैं इंसीजर, 8। बच्चों में भी सेम होते हैं, बच्चों में भी कितने होते हैं इंसीजर, 8 ही होते हैं। बच्चों में कितने होते हैं इंसीजर, 8 ही इंसीजर होते हैं। कैनाइन्स की बात करते हैं, मतलब 8 का मतलब क्या है, जो आगे वाले दांत है वो कितने हैं, टोटल 8 दांत है। अब यहां पर इसकी बात करते हैं हम किसकी
बात करते हैं हम साइड वाले केनाइंस की बात करते हैं तो केनाइंस कितने होते हैं, तो केनाइंस होते हैं चार। कितने होते हैं? चार, दो ऊपरी जबड़े में, दो नीचे वाले जबड़े में। अगर प्रीमोलर की बात करते हैं तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, जीरो होते हैं, कुछ भी मान लेना इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि बच्चों में कौन से किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? बच्चों में प्रीमोलर टीथ्स एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, पाए ही नहीं जाते। बच्चों में सिर्फ तीन प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन और मोलर। तो चले बात कर लेते हैं प्री मोलर की। प्री मोलर अडल्ट में कितने होते हैं? तो आठ होते हैं। मोलर कितने होते हैं? मोलर अडल्ट में होते हैं बारह, बच्चों में कितने होते हैं? आठ। इनको गिन लीजिएगा, ये हो जाएंगे बीस, और इनको गिन लीजिएगा, ये हो जाएंगे बत्तीस। क्लियर है ना? चले, आठ चार आठ और बारह अडल्ट में होते हैं, आठ चार जीरो आठ किस में होते हैं? बीस दांत टोटल बच्चों में होते हैं। तो ये दूध के दांत कितने होते हैं? मिल्क टीथ आर 20, और ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये टूट के दोबारा आते हैं। क्लियर है ना? ये तो पता ही होगा बच्चों में बात दांतों का। अगर मैं जीभ की बात करती हूँ तो ये जीभ है, ये भोजन को लसदार बनाने का कार्य करती है और उसको एक लुगदी जैसा स्वरूप दे देती है। क्लियर है ये बात? जीभ जो होती है इसका एक और कार्य होता है, जीभ जो है भोजन को आपस में मिला देती है, मिक्स कर देती है। दांतों के द्वारा जो भोजन काटा जाता है उसको क्या कर देती है? ये उसका एकदम परफेक्ट मिक्सचर बना देती है। अब ये जो परफेक्ट मिक्सचर होता है इसको क्या किया जाता है? इस परफेक्ट मिक्सचर को परफेक्ट मिक्सचर को हम क्या करते हैं? फेरिंग्स के माध्यम से, क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स। इस फेरिंग्स कहां पाया जाता है? गले में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कई बार पूछ लिया जाता है कि फेरिंग्स में एक वॉल्व होता है। क्या होता है? एक वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व का नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस वॉल्व। क्या होता है इस वॉल्व का नाम? एपिग्लोटिस वॉल्व होता है। और इस एपिग्लोटिस वॉल्व को आप डबल स्टार दे दीजिएगा, पूछ सकते हैं। इस एपिग्लोटिस वॉल्व के द्वारा फेरिंग से क्या किया जाता है? भोजन को निगला जाता है। क्लियर है? अच्छा, कई लोग पूछ रहे हैं मैम फेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लो, परफेक्ट हिंदी सुनो, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स को परफेक्ट हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो है एपिग्लोटिस किस में पाया जाता है? फेरिंग्स में पाया जाता है। यहां पर बिल्कुल गले में पाया जाता है और इसके माध्यम से इसको निगला जाता है। निगल के कहां जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लोगों को बता रही हूं, और बात यह है कि आपके भोजन का पाचन जो है, डाइजेशन जो है, कहां से स्टार्ट हो जाता है? भोजन का डाइजेशन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कहां से हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट कहां स्टार्ट हो जाता है? ये इसकी स्टार्टिंग कहां हो जाती है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? पॉइंट ये है कि फेरिंग्स के बाद में जब भोजन आपके ईसोफेगस में जाता है, कहां जाता है? ईसोफेगस में जाता है। तो ईसोफेगस में भोजन का किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, किसी प्रकार से किसी कोई भी डाइजेशन भोजन का नहीं होता है। ये सिर्फ फेरिंग्स से लेकर के आमाशय तक, कहां तक? फेरिंग्स से लेकर के आमाशय तक, यहां तक स्टमक तक भोजन को लेकर जाने का कार्य ही करता है। और जब भोजन हमारा मुख से हम लेंगे, दांतों के द्वारा काट दिया जाएगा, जीभ के द्वारा मिला दिया जाएगा, लार से मिला, मतलब किसमें मिला दिया जाएगा? लार और भोजन को आपस में मिला करके लुगदी जैसा, मिक्सचर जैसा बना लेते हैं। उस मिक्सचर को क्या करते हैं? हम निगलते हैं, और निगलने के बाद में ईसोफेगस के थ्रू होते हुए कहां जाएगा? ये जाएगा हमारे स्टमक में। कहां जाता है दोस्तों? स्टमक में जाता है। तो हम किसकी बात करेंगे? स्टमक की बात करेंगे। क्लियर है ये बात आप सभी को? तो स्टमक कहते क्या है इसे हिंदी में? आमाशय। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? आमाशय कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो आमाशय होता है ये एक थैली की जैसा होता है, फैला हुआ, बिल्कुल जे शेप का होता है, और ये लगभग एक से लेकर तीन लीटर तक फूड को स्टोर करके रख सकता है। लगभग तीन घंटे तक फूड स्टोरेज कर सकता है। कितने तक? लगभग तीन घंटे तक, एक से लेकर के तीन लीटर तक फूड स्टोरेज कर पाता है। इसकी कैपेसिटी है ये,
स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है, 3 लीटर तक, 3 लीटर तक ये फूड को स्टोरेज करके रख सकता है अपने अंदर, और इसका कितने टाइम तक रख सकता है, तो 3 घंटे तक ये अपने अंदर इसको स्टोर करके रख सकता है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे की बात हम अगर करते हैं कि इस जो स्टमक है, स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कहते क्या है इसे, इसे हम कहते हैं आमाशयिक रस। ये इंपॉर्टेंट है, आमाशयिक रस। कि आमाशयिक रस में होता क्या है, तो आमाशयिक रस में देखिएगा दोस्तों 90% तो क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है 90% तो? गैस्ट्रिक जूस। भाई इसी का इंग्लिश में नाम है ये, आमाशयिक रस, गैस्ट्रिक जूस। इसमें क्या होता है 90% तक तो H2O होता है, 5% क्या होता है, ये 5% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये एसिड करता क्या है, तो भोजन के साथ जितने भी बैक्टीरियाज आए हैं, फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया आए हैं, जितना भी इन्फेक्शन आया है, उसको नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जिससे जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी कुछ इन्फेक्शन वाले कीटाणु वगैरह हैं, जर्म्स वगैरह, उनको क्या करता है, वो नष्ट करता है, साथ ही भोजन का पाचन यहाँ से वो स्टार्ट कर देता है। 5% क्या होते हैं? तो 5% कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो इनकी भी बात अभी हम करेंगे। ये एंजाइम होते हैं पेप्सिन, एक होता है रेनिन, एक होता है लैक्टिक, सॉरी वापस से लिख देती हूँ मैं इसको। कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है ये बात। तो 90% जल, 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 5% क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। 5% एंजाइम फूड का डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ये फूड को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें जो कुछ भी फूड में न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में क्या होने वाले हैं, पचने वाले हैं, डाइजेशन उनका होने वाला है, उनका हो जाता है, और पानी इसमें पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ये जो एसिडिक मीडियम है, इससे इसकी पीएच कितनी हो जाती है, पीएच वैल्यू। एसिडिसिटी में पढ़ते हैं हम, एसिडिक मीडियम हो जाते हैं, पीएच वैल्यू को भी पढ़ना पड़ता है, और पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसकी पीएच वैल्यू हो जाती है 0.9 से लेकर के 1.5 तक। किसकी वजह से? एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। और ये जो मीडियम हो जाता है, वो मीडियम कौन सा हो जाता है, एसिडिक मीडियम हो जाता है, यानी कि अम्लीय माध्यम, इसको भोजन को अम्लीय माध्यम ये प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे ये हमारा किसके बारे में बात हो चुकी है, स्टमक के बारे में बात हो चुकी है। स्टमक में 5% हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, ये एंजाइम कौन कौन से थे, पेप्सिन, रेनिन, और एक और है आपका, और उसका नाम है लाइपेज एंजाइम। नाम क्या है? लाइपेज एंजाइम। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, पेप्सिन प्रोटीन का, जो दो भी प्रोटीन हमने खाने में गया है, उसका डाइजेशन करेगा। रेनिन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में कौन कौन से प्रोटीन थे हमने कल पढ़ा था, वे प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज कैसीन प्रोटीन। वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन की हमने बात करी थी, तो रेनिन जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज जो है लिपिड्स का पाचन करेगा, लिपिड्स का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ये बात। तो ये सारे एंजाइम्स यहां पर पाए जाते हैं। स्टमक की बात हमने कर ली थी, स्टमक के बाद में ये खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में 3 घंटे तक स्टोर रह जाएगा। 3 घंटे तक स्टोर रहने के बाद में ये खाना कहाँ जाता है हमारा, ये खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर लेते हैं इसके बाद में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसे हम क्या कहेंगे, छोटी आंत। खाना जब एक एसिडिक मीडियम से आ रहा है, कहां से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, एसिडिक मीडियम है, वहां से कहां पर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। कितने भागों में बटी हुई होती है दोस्तों? 3 भागों में बटी हुई होती है। सॉरी, देखिएगा यहां पर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कौन कौन से 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडिनम, एक होता है जेजुनम, और दूसरा कौन सा होता है, ईलियम। 3 हो गए ना, तीनों भाग।
स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं, सबसे पहले कौन सा, ड्यूडिनम, नंबर दो पर कौन सा है, जेजुनम, और इलियम। तीन नाम है किसके, छोटी आंत के भागों के, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो चलिए हिंदी में बता देते हैं, कई लोग पूछ रहे हैं। इसको बोलते हैं ग्रहणी, इसको बोलते हैं अग्रशुद्रांत्र, इसको बोलते हैं शुद्धांत्र। अब ये हिंदी वाले अच्छे हैं या इंग्लिश वाले, डिसाइड बाय योरसेल्फ। ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम, तीन भाग होते हैं किसके, छोटी आंत के। छोटी आंत में जो खाना है वो आने के बाद में कहां से आएगा, आमाशय से आएगा। आमाशय से आने के बाद में यहां पर कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी आते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस आते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स खाने का क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पाचन करने का स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो सबसे ज्यादा पाचन होता है वो किस में होता है, ड्यूडिनम में होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, ड्यूडिनम में होता है। कहाँ होता है, ग्रहणी ड्यूडिनम में होता है, क्लियर है ये बात। उसके बाद में खाना यहां से कहां जाता है, अच्छा छोटी आंत में, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। और छोटी आंत में खाने के डाइजेशन, जो खाना स्टमक में डाइजेस्ट हो गया है उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद में कहां जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ये जो घूम के आपको, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको दूसरे पेन से बता देती हूँ आपको, लाल वाले पेन से देखना। ये जो घूमा हुआ पोर्शन है यहां से यहां तक, ये किसका है, बड़ी आंत का है। तो बड़ी आंत में खाने का क्या होता है सबसे ज्यादा, अगर बात करते हैं बड़ी आंत का काम क्या होता है, तो बड़ी आंत का काम होता है खाने का अवशोषण करना, उसको अब्सॉर्ब करना, जितने भी न्यूट्रिशंस है हमारे फूड में उनको क्या करना, अवशोषण करना, उनका अब्सॉर्प्शन करना। ये किसका कार्य होता है, बड़ी आंत का कार्य होता है। और जो कुछ नहीं पचा है उसको फीकल मैटर के रूप में क्या कर देते हैं, वो बाहर निकाल देती है। बात क्लियर है, वापस से समझना इस चीज को, मैं आपको दोबारा से समझा देती हूं। देखिएगा, एलिमेंट्री कैनल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम मुख से खाना खाएंगे, माउथ से खाना खाते हैं, दांत और जीभ उस खाने को काटते हैं और उसको लार के साथ मिलाते हैं, क्लियर है। उसके बाद में ये खाना फेरिंग्स के थ्रू होते हुए, ईसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में। फेरिंग्स में एक वॉल्व पाया जाता है एपिग्लोटिस नाम का, और इस वॉल्व के थ्रू हम खाने को निगलते हैं। ये वॉल्व का मेन काम क्या होता है, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकना, खाने को श्वास नली में जाने से रोकना, इस वॉल्व का मेन काम होता है, मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है। ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई पाचन क्रिया संपादित नहीं होती है भोजन का, या फिर जो फूड है उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में स्टमक में जाता है हमारा खाना, और स्टमक जो है एक थैली नुमा भाग होता है, बिल्कुल एक बैग की तरह होता है, और इस बैग में 1 से लेकर 3 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है। 3 घंटे तक इसको हम खाने को स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मीडियम एसिडिक मीडियम होता है, पीएच होती है 0.9 से 1.5 के बीच में। क्यों होती है, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है, एक आमाशयिक रस निकलता है। इस आमाशयिक रस में 90% तक तो पानी होता है, 5% HCl होता है, और 5% कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज के नाम एंजाइम होते हैं। उसके बाद में यहां से खाना कहां जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत में खाने का सबसे ज्यादा पाचन ड्यूडिनम में होता है। ड्यूडिनम छोटी आंत का ही एक हिस्सा होता है, क्लियर है ये बात आप सभी को। इसके बाद में क्या होता है, जो खाना है पच जाएगा एक, अच्छा छोटी आंत का सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मीडियम कौन सा होता है, जैसे एसिडिक मीडियम था किसमें, आमाशय में, यहां पर मीडियम होता है बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, यानी कि क्षारीय माध्यम होता है। खाने को क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाया जाता है, और क्षारीय माध्यम के द्वारा ही क्या किया जाता है, खाने का पाचन होता है, क्लियर है ये बात। छोटी आंत से खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में मेन काम क्या होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में मिला दिया जाता है उन एब्जॉर्प्शन को, क्लियर है ये बात। उसके बाद में फीकल मैटर, वेस्ट मैटर को क्या किया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है।
यहाँ तक हमारी क्या हो गई है, एलिमेंट्री कैनल पूरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एलिमेंट्री कैनल पूरी हो चुकी है। अब हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो एक बार बिल्कुल जो लोग लेट आए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल जो PDF है, आपको PDF कहाँ मिलने वाली है, जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग कि मैम PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF आप ऐप पर जाओ, ऐप डाउनलोड करो, रीजनिंग लाइफ बाई दीपक सर, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? चले अब हम कुछ बात कर लेते हैं किसकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फटाफट से। सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या पढ़ेंगे हम, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, यकृत इसे हम कहते हैं, और लीवर जो है इसको हम हिपेट भी कहते हैं, इसलिए इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिपेटोलॉजी, टू स्टडी अबाउट लीवर। क्लियर है? तो ये हिपेटोलॉजी जो होता है लीवर के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं हम। यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लीवर जो होता है इसे हम बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? बॉडी की केमिकल लेबोरेटरी कहते हैं, क्योंकि जितने भी ज्यादा बड़ी बड़ी रिएक्शंस है बॉडी में वो कहाँ होती है, हमारे लीवर में होती है। कौन कौन सी रिएक्शंस? तो सबसे पहले देखिएगा, एक होता है आर्निथिन साइकिल। कौन सा साइकिल? आर्निथिन चक्र। एक आर्निथिन चक्र होता है, वो आर्निथिन चक्र कहाँ होता है? हमारा लीवर में ही संपादित होता है। तो ये आर्निथिन चक्र क्या होता है, इस लीवर में क्या किया जाता है आर्निथिन चक्र में? तो आर्निथिन चक्र में अपना जो यूरिया है, सॉरी अमीन है, अमीन ग्रुप्स है, ये अमीन ग्रुप्स क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? यूरिया, या फिर मैं इसे कहती हूं, हाँ यूरिया ही बना, यूरिया मान लीजिएगा, यूरिया का फॉर्मूला है NH2C डबल बॉन्ड ONH2। क्योंकि यूरिया अमोनिया में कब जाएगा? जब ये CO2 से रिएक्शन करेगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होगी, CO2 बाहर निकलेगी तो ये अमोनिया बनेगा, और साथ ही में ये एक और चीज बनाएगा, वो क्या बनाएगा? यूरिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होती कहाँ है? आर्निथिन साइकिल। ये साइकिल अपना कहाँ संपादित होता है? ये साइकिल होता है कहाँ पर? लिवर में। और ऐसे ही बहुत सारी जो साइकिल्स होती हैं, जैसे लाइक अपना ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? लीवर में ही होते हैं। इस कारण से लीवर को केमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, लीवर की और कुछ जानकारियां हैं, तो कुछ जानकारियां क्या होती है कि लीवर जो है वो हमारे पित्तरस, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाइल जूस। लीवर में बाइल जूस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, या फिर सिंथेसाइजेशन होता है। बाइल जूस कहां बनता है, निर्माण कहां होता है बाइल जूस का, वो बनता कहां पर है? ये लीवर में बनता है। लीवर में बनने के बाद में ये बाइल जूस कहां जाता है? गॉल ब्लैडर में जाता है। कहां जाता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर में जाता है। और ये जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय, बिल्कुल लीवर के जस्ट नीचे की साइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है, और इसमें ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस कहां बनता है, बनेगा कहां पर? लीवर में। लेकिन स्टोरेज कहां होएगा इसका? इसका स्टोरेज होएगा गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर के बाद में ये एक पाइप के थ्रू कहां जाता है? ड्यूडिनम में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ड्यूडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग होता है। क्लियर है ये बात आप सभी को? चले आगे की बात हम कर लेते हैं, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे क्या है? तो आगे हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में, कि पैनक्रिया क्या है। पैनक्रिया को हम कहते हैं हिंदी में अग्नाशय, और ये जो अग्नाशय है इसके द्वारा भी एक पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में सबसे ज्यादा एंजाइम्स होते हैं। सबसे ज्यादा एंजाइम्स किसमें पाए जाते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और इसका जो पाइप होता है वो भी ड्यूडिनम में ही ओपन होता है जाकर के, ड्यूडिनम में ही ये ओपन होगा। इसी कारण से ड्यूडिनम में, देखो बाइल जूस भी ड्यूडिनम में आ रहा है, इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस भी ड्यूडिनम में आ रहा है, जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो भी ड्यूडिनम में ही आते हैं। इस कारण से होता क्या है, इस कारण से हमारा जो जितना भी डाइजेशन है, द मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइजेशन, वो कहाँ पर होता है? वो होता है हमारे ड्यूडिनम। कहाँ होता है? ड्यूडिनम में, विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है ये बात आप सभी को? तो पेनक्रियाज अग्नाशय में पेनक्रियाटिक जूस आता है, और ये क्या करता है? ड्यूडिनम को
वो जूस सप्लाई करने का कार्य करता है। क्लियर है ये बात आप सभी को? तो ये किसकी बात हो चुकी है, हमारे अग्नाशय की बात हो चुकी है। अच्छा, अग्नाशय से ही एंजाइम्स के बाद में अग्नाशय जो होता है, इस अग्नाशय की, चलिए ये बात हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अग्नाशय जो होता है, इस अग्नाशय में दो प्रक्रियाएं संपादित करने के लिए ग्लूकोज जेनेसिस और ग्लूकोजेनोलाइसिस ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, बात यह है कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो फूड स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर होते हैं, और ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है वापस, ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनेगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ग्लूकोजेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्लूकोजेनेसिस कहलाएगी। और जब वापस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ग्लूकोजेनोलाइसिस कहलाएगी। ग्लूकोज का बनना ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोज का वापस से टूटना ग्लूकोजेनोलाइसिस कहलाती है। और ये रिएक्शन के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी मैं दे देती हूँ कि ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा खत्म। कल अगली क्लास में हम करेंगे अगला सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और एक छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बाद में आए हैं उनके लिए, ये है कि क्लास का शेड्यूल जो यूट्यूब पर रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये सुबह की क्लास का शेड्यूल है, और अगर शाम की क्लास का शेड्यूल अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से, क्लियर है। और अगर आप लोगों को कोर्सेज खरीदने हैं तो शताब्दी बैच जो है हमारा रेलवे के लिए वो लॉन्च हो चुका है, और इस बैच में 1999 हमने प्राइस कर दी है, पहले 1499 थी। और अगर अभी भी आपने ये नहीं खरीदा तो इसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी? 2999 हो जाएगी। क्लियर है ये बात आप सभी को? तो आपको करना क्या है, फटाफट से जाना है, जिनको रेलवे ALP टेक्नीशियन बनना है उनको जाकर के ये बैच खरीदना है। क्लियर है ये बात? ये बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर के नाम से है। यहाँ पर डेली PDF भी मिल जाएगी आपको, डेली क्विजेस भी होते हैं, और वीकली टेस्ट भी यहाँ पर होते हैं। क्लियर है ये बात आप सभी को? चलिए, तब तक के लिए कल हम फिर से वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।